सभी देवतुल भाइयों को मेरा प्रणाम, आप सबको शुभ प्रभात। अभी भाई घनश्याम जी एक अच्छी सी संगीत आपको दे रहे थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमको समझना होगा कि हम कहाँ आते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। ऐसे ही कहीं जाकर बैठ जाना, वहाँ से बैठकर अपने समयों को मनोरंजन के रूप में लेकर उठ जाना, एक गहरी गंभीर व्यक्तित्व का परिचय नहीं देता है। गहरी और गंभीर व्यक्तित्व का परिचय इस बात का देता है कि आप जहाँ जा रहे हैं, आप अपने जीवन को किस तरीके से जी रहे हैं। देखिए, गायत्री परिवार प्रभु गुरुदेव ने एक नारा दिया, युग निर्माण की बातें कही कि आने वाले समय में युग की निर्माण होगी। बहुत लोगों ने कहा समाज टूट रहा है, बहुत लोगों ने कहा समाज बट रहा है, लेकिन प्रभु गुरुदेव ने कहा बेटा आने वाले समय में युग की निर्माण होगी। तो लोगों ने पूछा युग का निर्माण कैसे होगा। अब आपसे किसी ने कहा या आपने किसी को कहा कि युग की निर्माण होगी, तो भाई युग की निर्माण कैसे होगा, कोई आपसे पूछ सकता है ना कि युग की निर्माण कैसे होगा। तो गुरुदेव ने कहा कि युग की निर्माण व्यक्ति के निर्माण से होगा। आज के समय में अगर आप बारीकी से देखेंगे, बैठकर कभी आप देखेंगे पूरी दुनिया की घटनाक्रम को, तो आपको लगेगा, मालूम चलेगा कि इस दुनिया में सब कुछ की निर्माण हो रही है। हर चीज का निर्माण हो रहा है, बड़े बड़े मकान का निर्माण हो रहा है, बड़े बड़े कंपनियों के निर्माण हो रही है, बड़े बड़े चीजों का निर्माण हो रहा है। लेकिन उस निर्माण किए हुए चीजों को कंट्रोल करने वाले जो व्यक्ति की है, उस व्यक्ति का निर्माण नहीं हो रहा है। आज के घटनाक्रम को देखकर आपको ऐसा लगेगा। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। एक अपने भाई थे, युवा प्रकोष्ठ के ही एक लड़के थे। कुछ दिन पहले, दो तीन दिन पहले उनसे मुलाकात हुई। वो युवा प्रकोष्ठ छोड़ दिए थे, गाँव पर रहने लगे थे, उनकी कहीं जॉब वॉब नहीं हुई थी, तो घर की थोड़ी स्थिति ये थी, तो वो चले गए थे। उन्होंने घटना सुनाया कि भाई साहब, मैं लड़का के साथ अपने रूममेट में रहता था, रूम में रहता था, हमारा वो रूम पार्टनर था, 6 महीने मेरे साथ रहा था। तो मैंने उसको एक दिन कॉल किया कि यार तुम कलकत्ता में रहते हो, अगर तुम्हारी कोई किसी कंपनी में जान पहचान हो तो कोई अच्छा सा जॉब अगर कोई हमको मिल जाता तो अच्छा रहता। तो उसका जो दोस्त थे जो 6 महीने उसके साथ रहे थे, उसने उसको कहा कि ऐसा है कि तुम आ जाओ, 15,000 रुपये लेकर आना, और कोई टाटा स्टील कंपनी है उसमें तुम्हारी हम लगवा देंगे, और कुछ कुछ रजिस्ट्रेशन फी और क्या 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 कर कर। अब जिसको जरूरत था वो क्या नहीं कर सकता, उसने किसी तरीके से पैसा की व्यवस्था किया और कलकत्ता पहुंच गया। कलकत्ता पहुंचने के बाद उसने दोस्त के कहने पर बहुत सारा फॉर्म भी फिलअप किया, बहुत सारी चीज़ें भरवाया, बहुत सारे लोगों से उसकी मुलाकात भी कराई, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दिया था कि तुमको किसी से कोई बात नहीं करना है, हम बात करेंगे सब जगह पर। उसने सारी बातें किया, सारी बात करने के बाद फिर वो वापस, जब उसको मालूम चला कि ये पैसा जो था वो हमसे ठगा जा रहा है, जब उसको जिस दिन मालूम चला, वो उस दिन कहा कि भाई साहब मुझे दोस्तों पर से विश्वास खत्म हो गया कि दोस्त भी ऐसा कर सकता है जो मेरे साथ रहा इतने दिनों तक, और वो भी जब इस तरीके से अपने दोस्तों के साथ कर सकता है, तो आप सोचिए आप कैसे हो सकता है। आप इस घटनाक्रम को आप एक साधारण सा घटना मानकर ले सकते हैं, हो सकता है घटनाक्रम को आप एक सिंपल सी कोई आप ये समझ कर ले सकते हैं कि चलो मेरे साथ तो नहीं घटा ना, वो मूर्ख होगा, पागल होगा, उसने विश्वास कैसे कर लिया, अनेकों तर्क आपके बुद्धि आपका बुद्धि कर सकता है। लेकिन आप एक मिनट के लिए सोचकर देखिए कि इस समाज में, इस सोसाइटी में जिसमें आप जीवन जी रहे हैं, उसमें इस तरीके से अगर किसी के साथ विश्वासघात हो तो आदमी इंसान किस पर विश्वास कर कर आगे बढ़े। ये सोचने वाली बात है कि जो जो आपके साथ रहते हैं उन पर आपका विश्वास नहीं, जिनके साथ आप आगे बढ़ रहे हैं उन पर आप पर विश्वास नहीं। तो आज का जो समय चल रहा है ना, ये बड़ा ही विकट समय में चल रहा है। इसमें लोगों की विश्वास टूट रही है, लोगों के अंदर की श्रद्धा टूट रही है, लोगों के अंदर की समर्पण टूट रहा है। इन समयों में हम सब सौभाग्यशाली हैं, और आज आपको भले फील नहीं हो रहा होगा कि आप सौभाग्यशाली हैं कि नहीं, आपको कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद आपको इस बात की फील होगी कि कहीं ना कहीं उस समय में जब पूरी दुनिया टूट रही थी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, उस समय में एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर, एक ऐसे परिवार से जुड़ने का मौका मिला जहां पर रियली में इन सब चीजों से हटकर एक ही बात का निर्माण, एक ही बात का बात किया जा रहा था, और उस बात था वो व्यक्ति की निर्माण करना, व्यक्ति की निर्माण करना। आप यहां आते हैं, यहां आने की सार्थकता आपकी तभी होगी ना, आप कितने दिन आते हैं, कितने महीनों से आ रहे हैं, कितने सालों से आ रहे हैं, इस बात की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है।
कि आप कितने दिनों से आ रहे हैं। इस बात का सबसे ज्यादा वैल्यू है कि आप यहां आने के बाद अपने अनगढ़ व्यक्तित्व को सुगढ़ बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, आपकी जो अंदर बुराइयां हैं वो बुराइयां दूर हो रही है कि नहीं हो रही है, यहां आने से आपका निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहां आने से आपके व्यक्तित्व में परिष्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो अपने आप से प्रश्न करने की आवश्यकता है कि आखिर हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमियां है जो हम अपने अंदर इन सब चीजों को नहीं ला पा रहे। यह जगह वैसा है जहां आने के बाद गुरुदेव ने की कहा, बेटा कुछ भी कर लो, आप बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन कर लो, आप बहुत अच्छे अच्छे बातें कर लो, लेकिन इन सब की सार्थकता तभी होगी जब आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा, आपकी व्यक्ति की निर्माण होगी। और जब आप व्यक्ति का निर्माण करेंगे ना, तभी आपकी बातों को कोई सुन भी सकता है, आपकी बातों को कोई सुन ही सकता है, आपकी बातों को कोई समझ भी सकता है। इसलिए सबसे पहले अगर आप यहां आते हैं तो एक कार्य को तो आप जरूर करें, अपने अपने व्यक्तित्व को निर्माण करने के लिए जितनी हो सकती है उतने अपने प्रति कठोरता बरतें, जितनी हो सके। इसलिए गुरुदेव ने एक फॉर्मूला दिया, अपने प्रति कठोरता, दूसरों के प्रति उदारता। अपने प्रति जितनी कठोरता हो सके, जितनी कली रूटीन हो सके, जितने करे नजर से अपने आप का चेकअप कर सकते हैं, अपना आत्मनिरीक्षण करिए हर दिन अपने आप का। ये गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ वो जगह नहीं है जहां आने के बाद आप प्रशंसा लूट सकते हैं, आप बहुत बड़ा आपका ये हो सकता है। ये एक ऐसा प्रयोगशाला और एक ऐसा टकसाल है जहां आने के बाद अगर कोई व्यक्ति रियल में जिसके अंदर अगर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने का भाव होगा तो वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। यहां पर एक एक फॉर्मूला जो भी गुरुदेव ने दिया, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, इसका एक ही मात्र फॉर्मूला है कि आपका व्यक्तित्व का निर्माण होनी चाहिए, आपकी व्यक्ति का निर्माण होना चाहिए, आपका निर्माण होना चाहिए। और इसके लिए गुरुदेव ने कहा अपना आत्मचिंतन नियमित निरंतर करते रहें कि हम कहां जा रहे हैं, किस रास्ते पर जा रहे हैं। अगर आप संडे को आते हैं तो आप बार बार अपने आत्ममूल्यांकन करें ना कि हम क्या संडे को जाते हैं तो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारे हमारी जो विचारें हैं वो सकारात्मक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारी जो जीवनचर्याएं हैं वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप कल्पना कर देखिए, इस हम नौजवान साथी हैं, आप कभी कलाम साहब के बुक्स को पढ़ेंगे, उनकी जीवनी को आप उनके जीवनी को पढ़कर देखेंगे, वो सूर्योदय के बाद कभी नहीं जगते थे, इतने बड़े व्यक्तित्व आप उनके पढ़ेंगे। डॉक्टर कलाम की जीवन यात्रा, उन्होंने उसमें लिखा है कि मैंने सूर्योदय के बाद कभी जगा ही नहीं। और आज हमारी युवा पीढ़ी आप देख ले, थोड़ी सी ठंड बढ़ी नहीं है, आप देख लीजिए संख्या पीछे मुड़कर कितनी संख्या है आपके यहां। ये कारण है, ये दिखाता है कि भाई मेरे माफ करना, ये करवा सच है कि हम यहां आते हैं इन यहां के द्वारा बताए गए चीजों को कहीं ना कहीं उतारने में आलस बरत रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कायरता आ रही है कि हम यहां के द्वारा बताए गए चीजों को अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे। अगर आप नहीं उतारते ना तो यहां पर आने की सार्थकता बहुत कम है। आप आ सकते हैं कुछ देर के लिए, आपको लगेगा चलो हम अच्छे जगह पर गए, हमारे अंदर की वो चीजें हो जाएगी, लेकिन नौजवान ये सब चीजें नहीं सोचते हैं। मुझे लगता है कि नौजवान इन सब तर्कों को नहीं सोचते, वो तो एक ही बात जानता है, हम कुछ करने के लिए, अभी मेरा उम्र कुछ करने के लिए है और हम करेंगे। अगर मुझे लगता है कि गायत्री मंत्र करना सही है, आज तक आपको यहां से बताया जा रहा था कि भाई गायत्री मंत्र करें, आप देखिएगा अभी फेसबुक पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, इंडिया टीवी था, कौन, जी न्यूज, सुधीर शर्मा, वो सुधीर कुमार जो होते हैं डीएनए लेकर आते हैं, उन्होंने एक वीडियो लाए हैं, उन्होंने आप देखिएगा 10 मिनट की वो वीडियो है, फेसबुक पर अभी शेयर बहुत लोग किए हैं, हम भी किए हैं, बहुत सारे लोग किए हैं शेयर उस 10 मिनट की वीडियो को। अभी भाई साहब भैया आएंगे तो मैं भैया से पूछकर वो वीडियो को भी आपके बीच चलवाने की कोशिश करेंगे, वो वीडियो आपके बीच चले, कम से कम ऑडियो ही आपके कानों तक जाए। उस ऑडियो में उन्होंने पूरे तरीके से 10 मिनट में एक रिपोर्ट रखा है, उस रिपोर्ट में एम्स के डॉक्टर, आईआईटी के प्रोफेसर ने ये रिसर्च किया है पिछले लगभग 15-16 सालों से कि गायत्री मंत्र करने से और गायत्री मंत्र न करने वालों पर क्या प्रभाव पड़ता है, निर्णय लेने की क्षमता, हमारी बौद्धिक क्षमताएं, हमारी कौन कौन क्षमताएं हमारे अंदर के, वो पूरे वैज्ञानिक तरीके से प्रूफ करकर उस वीडियो में दिखाया गया है कि अमेरिका का साइंटिस्ट, जर्मनी के साइंटिस्टों ने इस पर कैसे रिसर्च किया है, गायत्री मंत्र करने से कितनी साउंड की वाइब्रेशन होती है, वो 10 मिनट के वीडियो में वो दिखाया गया है। आपको मौका मिले अगर आप सोशल मीडिया पर रहते हैं तो आप यूट्यूब पर भी जाकर AWGP पर अगर आप देखेंगे तो वहां भी है, आप फेसबुक पर देखेंगे तो वहां भी बहुत लोगों ने, हमारे युवा प्रकोष्ठ के भाइयों ने शेयर किया है, आप भी जाकर उसको देख सकते हैं और देखनी चाहिए। अगर आप देखेंगे ना तो आपको मालूम चलेगा गायत्री मंत्र क्यों करनी चाहिए।
अब गायत्री मंत्र का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हैं। इसमें से कितने लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमारी बौद्धिक क्षमताएं बढ़े? आज के जमाना में कौन नहीं चाहता है हमारे अंदर बौद्धिक क्षमता बढ़े? कौन नहीं चाहता है कि निर्णय लेने की क्षमताएं बढ़े? कौन नहीं चाहता है हमारे जीवन में दूरदर्शिता आए? आप उठाकर देख ले, आज की समस्या जो समाज की सबसे ज्यादा बनी हुई है, एक बहुत बड़ी समस्या है, अदूरदर्शिता। लोगों के पास दूरदर्शिता नहीं है, और जो जिनके अंदर दूरदर्शिता नहीं होती है ना, वो नजदीक के चीजों को देखकर ही सब कुछ समझ लेते हैं। जैसे अगर आप ये सोचते होंगे, कुछ लोग ये सोच ले कि ठंड आने वाला है, अब ठंड हमेशा रहेगा, ये क्या कहलाएगा? उनकी अदूरदर्शिता कहलाएगी। ठंड के बाद फिर से वो मौसम, कोई मौसम आने वाला है, चेंज होने वाला है, तो उन मौसम की भी तैयारी लोगों को करके रखनी पड़ती है। जैसे एक आप देख ले, एक किसान कैसा जिंदगी जीता, आप किसान की जिंदगी को देखे ना, हम सब फैमिली गांव से बिलोंग करते हैं, आप किसान की देखिए, कोई किसान की जिंदगी देखकर हो सकता है शुरू में कहिए अरे बेवकूफ है यार। अब मान लीजिए कि कोई किसान किसी खेतों में पूंजी लगाता है, खेतों को कोरता है, और कोड़ने के बाद घर से ही अपना अन्न लेता है और ले जाकर मिट्टी में मिला देता है। अब कल्पना करिए, किसान अन्न अपने घर से ले जाता है और मिट्टी में मिला देता है। अब कोई नादान लड़का, नादान बच्चा ये देखकर कहे कि अरे यार बेवकूफ हो क्या, अपने घर से ही अन्न लेते हो और जाकर मिट्टी में मिला देते हो। लेकिन जो किसान होता है वो अपने घर से अन्न लेता है, जाकर मिट्टी में मिला देता है, लेकिन मिट्टी में मिलाने के बाद वो दूरदर्शिता होता है ना, वो दूर की चीजों को देखे हुए होता है कि ये मिट्टी में अन्न मिलाने से कुछ दिन बाद इसकी देखभाल करने से ये थोड़ा सा अन्न हमारे लिए बहुत सारा अन्न लेकर आएगा। ये उसके पास एक आशा होती है, एक उसके पास एक दूरदर्शिता होता है, और इन चीजों को देखकर वो एक योजना के साथ पूरी मेहनत करता है अपने खेतों में, और अंततः जब उसकी रिजल्ट आती है तो एक छोटा सा जो अन्न वो डाला था मिट्टी में, वो बड़ा सा एक बहुत सारे अन्न लेकर आते हैं। तो आप किसान से भी सीख सकते हैं, आप हर जगह कहीं ना कुछ सीखने की चीजें बैठी पड़ी है। तो मेरा आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट, एक ही आग्रह है कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो दो चीज अवश्य करें। एक, आज के समय में 20 से 30 मिनट की साधना जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। दूसरी बात, आप किसी अच्छे विचारों को जरूर पढ़िए। ये दो चीज आज इंसान को सबसे मस्ट हो गया है, जहां पर लोग भटक रहे हैं। आप ध्यान करेंगे, आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमताएं, आपके अंदर का मेमोरी पावर, आपकी बौद्धिक क्षमताएं बढ़ेगी। अगर आप स्वाध्याय करेंगे तो आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे। कहा जाता है कि लोहा को लोहा ही काटता है, तो आज इंसान अगर विचारों के माध्यम से गिर रहा है, निगेटिव विचारों से गिर रहा है, तो पॉजिटिव विचार ही उसको उठा भी सकता है। इसलिए आपके पास विचार होनी चाहिए, तो इसके लिए आप अच्छे साहित्यों को पढ़ें। और तीसरी चीजें हैं, अपना आत्ममूल्यांकन जरूर करें, अपनी आत्ममूल्यांकन जरूर करें। ऐसा नहीं कि आप दौड़ते जा रहे हैं, कहाँ दौड़ में दौड़ना है और कहाँ पहुँचना है ये भी मालूम नहीं है। आप कभी अपने आप से शांत होकर अपने आप से पूछिए कहाँ जा रहे हो, अपने आप से पूछिए कहाँ जा रहे हो। ये अभी एक सप्ताह आपका गुजरा ना, संडे के दिन तो क्लास नहीं होता होगा, कभी बैठ जाइए कुर्सी पर आराम से और कोई गाना मधुर सा म्यूजिक लगा लीजिए कानों में और अपने आप से पूछिए कहाँ जा रहे हो, आपको जवाब आएगा। आप आश्चर्य करेंगे, आपके अंदर से कोई जवाब नहीं आएगा कहाँ जा रहे हैं। आप पूछोगे पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हो, कहाँ जाना है पढ़कर, ये टेंशन में ये कहाँ पहुंच रहे हैं आप, आपको बहुत सारी जवाब अपने अंदर से आएगा। ये भी एक ध्यान है, ये भी एक चीजें हैं अपनी आत्ममूल्यांकन करने का। और मूल्यांकन करें ना, यहाँ पर आते हैं, आपकी आपके अंदर गंभीरता आनी चाहिए। आपने देखा होगा पिछले बार हमारे एक मुख्य अतिथि आए थे प्रशांत किशोर जी, पता नहीं आप लोगों ने कितनी उनकी चीजों को देखा, लेकिन उनके व्यक्तित्व से एक बात बहुत निकल कर आ रहा था कि उनके व्यक्तित्व में गंभीरता बहुत ज्यादा था। आप देखिएगा उनके व्यक्तित्व को, उनकी बातों को, आप जो क्वेश्चन कर रहे थे तो उसकी जो जवाबें दे रहे थे, इतने गंभीरता के साथ दे रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि उनका व्यक्तित्व में गंभीरता दिख रहा था, कहीं ना कहीं गंभीरता थी। तो जो भी व्यक्तित्व अपने इतिहास में या अपने समाज में एक स्थान बनाता है, उसके व्यक्तित्व में एक गहराई होती है, एक गंभीरता होता है। वो गंभीरता और वो व्यक्तित्व में वो आपके अंदर जो वो गहराई आती है, वो आता है आपका कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का एक वैज्ञानिक स्वरूप जब आपके जीवन में उतरेगा, तो आपके जीवन में गहराई आती है, आपके जीवन में आप इसको कह सकते हैं एक गंभीरता आती है। इसलिए ये सब चीज़ें हम सब के पास भी आए। तो जो भी आपको बातें अच्छी लगी, कुछ गुरुदेव की बातें थी, जो भी अगर कुछ ऐसी